यही कहेगा कि ये जो गण का पति है, गणतंत्र का प्रमुख है, इसकी नाक लंबी है। नाक लंबी इसलिए है कि कहीं पर घर के अंदर कोई चूहा यदि मर जाए तो उसका सबसे पहले पता आंख को नहीं चलता है, कान को नहीं चलता है, मुंह को नहीं चलता है, सबसे पहले किसे पता चलता है? नाक को पता चलता है। तो जो इस गणतंत्र का प्रमुख होगा, जनप्रतिनिधि होगा, उसकी नाक इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कहां कहां गलत काम चल रहे हैं उसकी सूचना सबसे पहले जनप्रतिनिधि को मिलनी चाहिए, उसे पता चलना चाहिए। इसके कान बड़े क्यों हैं कि बड़वानी शहर का कोई व्यक्ति हो या इस क्षेत्र के सुदूर गांव का कोई व्यक्ति हो, चाहे महापौर हो, पार्षद हो, कि एक साधारण कार्यकर्ता हो, कि जिला अध्यक्ष हो, कि एक ब्लॉक का सदस्य हो, एक किसान हो, एक मजदूर हो, उन सब की बराबर आवाज कान तक पहुंच सके, इसलिए गणपति का कान बड़ा होता है। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई इस बात की, और प्रीति जी ने भी इस बात को मेंशन किया, मैंने कहा मेरे दिल की बात कह दी कि जब आपके क्षेत्र का एक साधारण सा कार्यकर्ता, यह हमारी बहन हमारे साथ पैदल चल रही थी, गजेंद्र भाई से हमारी पहले भेंट हुई नहीं थी, चेहरे से हम भी इनको नहीं पहचानते थे और ये भी हमको नहीं पहचानते थे, लेकिन जब यहाँ की हमारी बहन बड़वानी की एक साधारण सी कार्यकर्ता इनकी पैदल चली आ रही थी हमारे साथ साथ, उनको देखकर इन्होंने कार अपनी रोक दी और कहा बहन कार में बैठ जाओ, पैदल क्यों जा रही हो? ये बहन खड़े हो जाए, मुनीरा बहन इनके लिए रुक गए। लेकिन चूंकि मेरा पद यात्रा का संकल्प था तो ये बहन हमारे साथ पैदल ही आई, आप आगे निकले मिलके हमसे। ये गणपति की पहचान है, ये भारतीय समाज का आधार है। पेट बड़ा होता है क्योंकि जब शपथ गणपति लेता है तो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। हर बात माई घुसरण के मुंह में सांसद जी बताइए, प्रधानमंत्री जी बताइए, हर बात नहीं बताई जा सकती क्योंकि पद के साथ गोपनीयता की भी शपथ ली जाती है। तो पेट उसका बड़ा होता है, बात पेट में पचाना उसको आना चाहिए। ये गणपति की पहचान है, ये भारतीय संस्कृति का आधार है, इसलिए उसका पेट बड़ा। कमल उसके हाथ में होता है, ये भारतीय संस्कृति का आधार आप गणपति से समझ लीजिए, दो तीन चीजें इसमें समाहित है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। पानी में ही कई अर्थ चिपके हुए हैं, या गणपति में जो दो तीन चार पांच अर्थ है वो आप, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं बिल्कुल, और बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। कमल एक हाथ में गणपति के है, कमल के पत्ते में पानी यदि रखो तो वो उसमें रहेगा जरूर, लेकिन पानी को अपने से चिपकने नहीं देगा, तुरंत पानी नीचे आ जाएगा। सारी सुविधाएं मिलेगी गणपति को, लेकिन फिर भी उसे इस बात का एहसास रहेगा कि ये सारी सुविधाएं मुझे जनता के लिए मिली है, अपनी व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं मिली है। वो कमल के समान पानी से निर्लिप्त रहेगा, सुख सुविधाओं में रहते हुए सुख सुविधाओं से निर्लिप्त रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ गणपति है वो कभी भी एक तपस्वी, एक संत को देखकर, एक किसी समाज सेवक को देखकर, एक तपस्या करने वाले को देखकर कभी भी खुद ना पहले मंच पर चढ़ेगा, ना खुद पहले माला पहनेगा। तो ये किताबी बातें नहीं कह रहा हूं, आपने देखा इसलिए कहते हैं शो शुरू से देखना चाहिए। तो मुनीरा बहन शुरू से शो देखती हुई आ रही हैं, वहां भी देखा जो शुरू में यहां पर थे, जब सांसद जी का नाम लिया तो ये नहीं चढ़े, दूसरी बार नाम लिया तब भी नहीं चढ़े, तीसरी बार नाम लिया तब भी नहीं चढ़े, कहे महाराज आपका नाम आएगा तब हम दोनों साथ चढ़ेंगे। ये गणपति है, निर्लिप्त रहेगा सुख सुविधाओं से अहंकार नहीं। तो यदि जो इस भारतीय समाज की भावना से जुड़ा नहीं हुआ है, नाम आते साथ सबसे पहले चढ़ के ऊपर, भैया हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, माला पहनाने पहले इनका नाम आया तो खुद माला पहनी क्या, पहनी? ये सिख की बात है,
और ये सीख यही नहीं है, सुन लो ठीक यही चीज। गजेंद्र भाई, जब मैंने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया बुरहानपुर से, तो मध्य प्रदेश की सीमा में स्वागत के लिए मेरे पास नंदू भैया है जो आपके खंडवा के सांसद हैं। अब नंदू भैया चुनाव जीते थे तो बुरहानपुर वासियों ने उनके स्वागत के कार्यक्रम रखा। अब मुझे नहीं लगता उनके और आपके बीच कोई बात हुई होगी। ये अपने इस देश की इस मिट्टी के संस्कार है कि नंदू भैया भी पहले मंच पे नहीं चढ़े, नंदू भैया भी पहले माला नहीं पहने, नंदू भैया ने भी पहले किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया, सबसे पहले मुझे मंच पे चढ़ाया, सबसे पहले खुद मुझे माला पहनाई और सबसे पहले मेरा नाम लिया। अब ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हम सबकी माटी एक है, हम सबके बाबा एक है, हम सबकी माता एक है। तेरा वैभव अमर रहे वा हम दिन चार रहे न रहे, जो इस माँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो खंडवा का हो चाहे बड़वानी का हो, संस्कार एक दिखाई देंगे, जो है भारतीय समाज का आधार ये संबंध। इसमें से एक भी बात किताबी आपको नहीं मिलेगी। प्रीति जी, पैदल चलने से अभी कुछ कदम जो अनुभव हुआ वो पहले जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। पैदल इसलिए चला जाता है कि भगवान राम के पास साधनों की कोई कमी नहीं थी, गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य भगवान महावीर के पास कोई कमी नहीं थी, भक्तों की गुरु नानक देव के पास शिष्यों की कोई कमी नहीं थी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई कमी नहीं थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास भी खूब भक्त थे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि राम जी जीवन का अधिकांश भाग, कृष्ण जी जीवन का अधिकांश भाग, गौतम बुद्ध भगवान महावीर गुरु नानक देव जीवन का अधिकांश भाग पैदल चलते रहे। क्योंकि पैदल इसलिए चला जाता है कि जिस हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम जिस अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करते हैं, हम जिस सर्वोदय सभी के उदय की बात करते हैं, वो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक तो पहले पहुंचना होगा, तब तो उसका उदय होगा। तो भगवान राम पैदल चले और ये बताया पैदल चलकर ही शबरी तक पहुंचा जा सकता है। वो इतने बीहड़ वनों पर रहती है कि वहां कार नहीं जा सकती, वहां रथ नहीं जा सकता, वहां हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं उतर सकता, वहां जाने का कोई साधन नहीं है। तो प्रभु पैदल चले, शबरी की समस्या को जाना, उसका समाधान किया। मेरा निषाद किस हाल में है, मेरा केवट किस हाल में है, मेरी शबरी किस हाल में है? अरे मुझे चाहने वाले यही नहीं है, ढेर सारे पशु पक्षी भी हैं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी युग पानी। अरे सब सिया राम का नाम लेने वाले हैं, तो शबरी के साथ साथ गिलहरी की भी रक्षा का मेरा कर्तव्य बनता है, जामवंत की रक्षा का भी मेरा कर्तव्य बनता है, हनुमान को भी साथ लेकर चलने की मेरा कर्तव्य बनता है, सुग्रीव को भी साथ लेकर चलने का मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए सब वनवासी नगरवासी जीव जंतु पशु पक्षी जब सबको साथ लेकर चलेंगे तो इस प्रकृति का विकास होगा, ये प्रकृति ये सह अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। यही भारतीय समाज का आधार है, यही संवेदना है, यही संबंध है। इसलिए भगवान राम पैदल चले, नहीं तो बोलो उनके पास रथ की तो कोई कमी नहीं थी। ये आज के जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं और आज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के वोट से चुने जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं, उनके लिए समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण भगवान रामचंद्र जी का आदर्श है, जो कि आपके अंदर मुझे दिखाई देता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों में। यही सबका साथ सबका विकास है, ये सबका साथ सबका विकास आज की अवधारणा नहीं है, राम जी की दी हुई अवधारणा, अंत्योदय की अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय की अवधारणा गांधी जी की कही जाती है, गांधी विनोबा की। उन्होंने भी जीवन भर राम जी को अपना आदर्श माना। अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय जी की, दीनदयाल नाम ही राम जी का है, ये आधार है। अब देखिए संबंध की बात हो रही है, संबंध की बात, ये पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। भारतीय समाज का आधार संबंध कैसे, अनजान व्यक्ति अमेरिका में दो लोग मिल गए,
शकल से लगा दोनों हिंदुस्तानी हैं। एक ने पूछा आप किस गांव के, बताया इस गांव के। दूसरे ने कहा आप की किस गांव के, कहा हम इस गांव के। एक बुजुर्ग है एक जवान है। तो दोनों भारत के थे, अमेरिका में किसी काम से चले गए, वहां फंस गए, रह रहे हैं। अब वो ये बता रहा है कि जिस गांव के आप हैं वो बुजुर्ग को कह रहा है उस गांव में ही मेरा ब्याह हुआ है। तो बुजुर्ग क्या कहेगा उस जवान को कि उस गांव में आपका ब्याह हुआ है जिस गांव का मैं हूं, यानी आप मेरे गांव की बेटी लेकर गए हैं, तो इस नाते आप मेरे क्या हुए? दामाद हो गए। वहां तो अनजान थे, कोई पहचान नहीं थी, कोई परिचय नहीं लिखा। जैसे ही वो गांव का नाम सुना तो वो बुजुर्ग उस युवक को दामाद की तरह ट्रीट करने लग जाएगा, व्यवहार करने लग जाएगा, और वो युवक उस बुजुर्ग का तुरंत पैर छुलेगा कि आप तो मेरे पिता समान हुए। अब ये कैसे हुआ पता है आपको? हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ कि दो अनजान व्यक्ति अमेरिका यूरोप में कहीं मिलते हैं और बाप बेटे की तरह उनमें संबंध बन जाता है, स्नेह बन जाता है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरु वशिष्ठ ने, गुरु कश्यप ने, गुरु शांडिल्य ने, गुरु गर्ग ने, और ये महान जो गुरु परंपरा है, इनके आश्रम में जितनी गौएं पलती थी उस गांव की सारी गौएं इनके आश्रम में होती थी। तो उस गांव के सारे लोग क्या कहला गए, गर्ग ऋषि के आश्रम में जितने परिवारों की गाय पलती थी वो सारे क्या हो गए, गर्ग गोत्र के हो गए। बात समझ में आ रही है ना? अब चूंकि ये गौएं सबकी गर्ग ऋषि के आश्रम में है, किसी की गौएं अगले गांव में शांडिल्य ऋषि के आश्रम में कहीं और, तो वो सब उस गुरु के नाम से उस गोत्र के हो गए क्योंकि उनकी गाय उनके आश्रम में है। अब चूंकि ये सब एक गांव के हैं, एक गाय का दूध पी रहे हैं, तो ये इसलिए आपस में एक परिवार हो गए, भाई बहन हो गए, तो अब इनमें आपस में विवाह संबंध नहीं हो सकता है। अब अपने गांव की बेटी के लिए यदि वर खोजना होगा तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा क्योंकि इस गांव में एक ही गोत्र के लोग हैं। पहले हर गांव में एक ही गोत्र की प्रधानता होती थी, आज भी कुछ गांव में एक गोत्र की प्रधानता होती है। तो जब दूसरा गांव का युवक देखा जाता था विवाह के लिए, वो आता था विवाह करने के लिए, तो वो केवल और केवल उस परिवार का दामाद नहीं होता था बल्कि पूरे गांव का दामाद होता था। और इसी आधार पर दुनिया के किसी कोने में वो मिल जाए तो गोत्र के आधार पर ये संबंध अत्यंत मजबूत बन जाते थे और दुनिया के किसी क्षेत्र में कभी भी इस संबंध के आधार पर किसी को तकलीफ नहीं होती थी। ये भारतीय समाज का आधार ये गोत्र व्यवस्था है, जिसका आधार ये गाय है, और हम इसको अभी भूल चुके हैं इसलिए सारे संकट में पड़ रहे हैं। भारतीय समाज का आधार समझिए, जब भारतीय समाज में 16 संस्कार बताए गए, गर्भधारण पुंसवन सीमांतो नयन जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्न प्राशन चूड़ा कर्म कर्ण वेदन विद्यारंभ उपनयन के शांत समावर्तन विवाह और अंत्येष्टि, 16 के 16 संस्कार पंचगव्य के बिना नहीं हो सकते। गाय का दूध दही घी गोबर गौमूत्र चाहिए ही चाहिए, इसी में एक संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह भी 8 प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, लेकिन श्रेष्ठ विवाह जो बताया गया है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश विवाह, ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म विवाह श्रेष्ठ बताया गया कि युवती का पिता एक वेदज्ञ सुशील वर को खोजता है और उसको अपनी कन्या का दान करता है, लेकिन अपनी कन्या का दान करने से, अच्छा दान का अर्थ यह भीख नहीं है क्योंकि मैं टीवी चैनल्स में कई बार देखता हूं, लोग कहते हैं अरे कैसा सनातन समाज है, कैसा भारतीय समाज है, कन्या का दान करते हैं। कन्या कोई वस्तु है क्या? कोई कन्या पैसा, रुपया पैसा है क्या कि उसका दान कर दिया जाए? कोई वस्तु समझा, वस्तु नहीं समझा जाता है। दान का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ समर्पण से होता है। जैसे पन्ना धाय की कथा आप पढ़ेंगे तो उसमें दीप दान आया है, दीप दान शब्द, दीप दान का अर्थ कोई भीख देना नहीं होता है, उसने अपना सर्वोच्च समर्पण किया उस राज को बचाने के लिए, अपने बच्चे की बलिदानी दी, तो सर्वश्रेष्ठ समर्पण को दान कहा जाता है। इसलिए नेत्र जब हम किसी को देते हैं, रक्त किसी को देते हैं, तो रक्त भीख नहीं कहते हैं, रक्त
दान कहते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पण जब किसी को किया है तो देह दान, रक्त दान, नेत्र दान, दीप दान, और जब मां भारती के लिए हम अपना सर्वोच्च समर्पण करते हैं तो बलि दान। तो दान का मतलब भीख हुआ क्या? दान का मतलब डोनेशन हुआ क्या? नहीं, दान का मतलब सर्वश्रेष्ठ समर्पण होता है। ये केवल वो पिता ही जानता है जो अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, प्रेम करता है, सुरक्षित रखता है, पढ़ाता है, लिखाता है, तो उस बेटी से उसका क्या लगाव होता है ये केवल एक पिता समझता है, केवल माता समझती है। और जब सदा सदा के लिए वो उस घर को छोड़कर जा रही है तो कहां जा रही है, क्या जा रही है, किसके साथ जा रही है, ये बाप का दिल कलपता रहता है। मेरी बेटी को कहीं कुछ हो ना जाए, रोता रहता है अंदर से। तो फिर वो एक वेदा की और सुशील युवक खोजता है जो मेरी बेटी को ठीक ठाक रख सके। तो विवाह मंडप में उसे बुलाया जाता है, पंडित जी द्वारा उसकी योग्यता पूछी जाती है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। वहां क्वालिफिकेशन बीटेक एमटेक की नहीं पूछी जाती है, बीएससी एमएससी की नहीं पूछी जाती है, आईआईटी से आया है कि कहां से आया है, इंजीनियरिंग से आया कि मेडिकल से आया, यह नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? उसका भी एक कारण है, क्योंकि आईआईटी और आईआईएम और मेडिकल और इंजीनियरिंग, इनके भी लड़कों को अपनी पत्नी को सताते हुए देखा गया है, जलाते हुए देखा गया है, मारते हुए देखा गया है। तो पहली और आखिरी योग्यता पूछी जाती है, गोत्र क्या है, किम गोत्रम, अर्थात बजाओ ताली बजाओ, अर्थात गोत्र क्या है, गो यानी गाय और त्रा यानी त्राण, त्राण का परित्राण से बना त्राण, त्राण से बना त्र, तो गाय की रक्षा करने वाला जो होता है वो गोत्रधारक होता है, परित्राण यानी रक्षक। गो रक्षक को संस्कृत में कहते हैं गोत्र। तो जब वो बताता, अब यानी पंडित जी ने पूछा गोत्र बताओ, यानी तुमने कितनी गायों की रक्षा की, तुमने किसी गाय की रक्षा की हो चाहे नहीं की हो, तुम बताते हो पंडित जी वशिष्ठ। पंडित जी समझ जाते हैं वशिष्ठ यानी कि वशिष्ठ जी तो बहुत बड़े गोरक्षक हुए थे, तो ये उनके वंश का है, तो ये भी अवश्य गोरक्षक होगा। अर्थात वशिष्ठ परंपरा में गाय की रक्षा करने की परंपरा है, तो जब ये गाय की रक्षा कर सकता है तो मेरी बेटी की भी रक्षा करेगा। जब ये गाय को छत दे सकता है तो मेरी बेटी को भी छत देगा। गाय को भोजन दे सकता है तो मेरी बेटी को भी भोजन देगा। और गाय को इज्जत और मान सम्मान दे सकता है। इसके घर में गाय को डंडे से नहीं मारा जाता है, इसके घर में गाय को पत्थर फेंक के नहीं मारा जाता है, इसके घर में गाय को देखकर उसके ऊपर पानी फेंक के भगाया नहीं जाता है। ये गोत्रधारी है, गो सेवक है, गो रक्षक है, यानी इसके घर में मेरी बेटी पूर्ण सुरक्षित रहेगी। इस आधार पर उसे कन्यादान मिलता है। लेकिन फिर भी अभी ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने कुलगुरु के नाम से तो कन्यादान ले लेते हो लेकिन खुद गो सेवा नहीं करते हो, तो संस्कार मध्यम पड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर में गाय रखो, जिस घर में गाय होगी वहां संबंध मजबूत होंगे, वहां कभी ऐसी घटना नहीं। ये बिल्कुल भारतीय समाज का आधार, ये जो संबंध है यही संबंध है, आप इस बात को समझ जाइए। यहां पर संत दादू दयाल, संत एकनाथ, संत तुकाराम, रैदास, धन्ना, पीपा, सगना, ऐसे अनेकानेक संत हुए हैं। और ये संत परंपरा ऐसी है, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, हमारे बहुत सारे शास्त्रों में भी ये बात आई गई है कि ये संत एकनाथ, संत तुकाराम, इनकी मैं कथा पढ़ रहा था तो ये रोटी खाने बैठे थे संत, तो एक कुत्ता आया और कुत्ता उनकी रोटी को लेकर भागा, कुत्ता रोटी को लेकर भागा, तो पीछे पीछे ये भी दौड़े संत जी। क्यों दौड़े?
अभी तो लोग गाय को मारने के लिए दौड़ते हैं, वो कुत्ता रोटी लेकर गया है, वो कुत्ते को मारने नहीं दौड़े, घी का डब्बा लेकर दौड़े कि भगवान मेरे पास भोग ग्रहण करने आए थे तो क्यों मेरी बदनामी तीनों लोक में करवा रहे हो? रूखी खाओगे तो उसका पाप मुझे पड़ेगा, कम से कम ये घी चुपड़ कर खाओ तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा, तो घी का डब्बा लेकर भागो। ये सेवा भाव है। तो जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा, दरिद्र देवो भवा, अज्ञानी देवो भवा, रोगी देवो भवा, और एहसान करके उसकी सेवा नहीं करना, बल्कि ये सोचकर उसकी सेवा करना कि मैं साक्षात शिव की सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा करूंगा तो मेरे ही पाप कटेंगे, मेरा ही लाभ होगा, मुझे ही पुण्य मिलेगा। एहसान कर रहा हूं यह सोच के नहीं। फिर से उदाहरण दूंगा, सांसद जी एहसान कर रहा हूं यह सोच के अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं रुके थे कि इस पे मैं एहसान कर रहा हूं, यह मेरा कर्तव्य है, यह सोचकर रुके थे तो उसका परिणाम इनको इस मंच पे भी मिला। और जाने हम और प्रीति जी और आप सब इस घटना को कहां कहां इसका गुणगान करेंगे, तो इनको इंस्टेंट लाभ मिला ना इस सेवा का, क्योंकि उन्होंने एहसान कर रहा हूं यह सोचकर नहीं किया था, अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं रुके थे, सेवा भाव से रुके थे, इसलिए उनका लाभ इनको तुरंत मिल गया, इस मंच पे मिल गया, दिल्ली में मिलेगा, आगे जाकर और कई जगह मिलेगा। आप सब इस बात को कहेंगे, किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को थोड़े दिन बाद मिलता है, तो कभी भी ये सोच के करना, किसी रोगी को दवाई दिलाओ, किसी निर्धन बच्ची की शादी कराओ, किसी बच्चे बच्ची को पढ़ाई के लिए उसको पैसा दो, किसी को किताब दिलाओ, किसी नेत्रहीन के लिए नेत्र की व्यवस्था करो, किसी मांगने वाले के लिए किसी के लिए व्यवस्था करो, कहीं गौशाला में सहयोग करो, तो कुछ भी करो, एहसान कर रहा हूं यह सोचकर नहीं करना, शिव की सेवा करने का सौभाग्य मिला यह सोचकर करना है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, भारतीय समाज का आधार यह सेवा है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद और अनेक अनेक संतों ने कई बार कहा। लेकिन जब तक हम इस बात की गहराई को समझेंगे नहीं, हम करते जाएंगे। देखो, आपको अभी मैंने कहा था मेरा जन्मदिन जब मनाया जाए, अभी ये इसके हिसाब से ईसवी सन के हिसाब से 10 जुलाई को मेरा जन्मदिन पड़ता है, तो मैंने ये कहा था कि मेरे जन्मदिन पर पेड़ लगाया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उस दिन मैं मोगावा में था, तो मोगावा वासियों ने त्रिवेणी वृक्ष लगाया। त्रिवेणी वृक्ष में एक नीम का वृक्ष होता है, एक पीपल का होता है और एक वट का वृक्ष होता है, तो वो त्रिवेणी लगाया। तो हम सब स्वस्थ सुरक्षित तभी है जब हम वट वृक्ष की तरह हो जाएं। भारतीय समाज का आधार समझना, वट वृक्ष बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, खूब ऊंचा हो जाता है। लेकिन हमारे साधु संतों ने एक बात कही है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खूब बड़ा हो गया, क्या मतलब हुआ उसका? क्यों? क्योंकि किसको फल ही नहीं दे सकता। अजान हो रही है, एक मिनट ध्यान लगा लेंगे हम, आंख बंद करके एक मिनट अपने विश को याद कर लीजिए।
माँ। सब बोलिए माँ। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल आ गया भी दूर। खजूर का पेड़ बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है खूब दूर चला जाता है, आपको ना उसका फल मिल सकता ना किसी को छाया मिल सकती। वट वृक्ष बड़ा होता है बड़ा होता है बड़ा होता है खूब बड़ा हो जाता है। जब बहुत बड़ा हो जाता है लगने लगता है कि इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर से वो वापस अपने ऊपर से अपनी शिखाओं को धीरे धीरे नीचे लाता है नीचे लाता है नीचे लाता है और फिर किससे जुड़ जाता है, जमीन से जुड़ जाता है। ये वटवृक्ष हमारे जीवन के लिए भारतीय समाज के आधार को बताने के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा का काम करता है कि वटवृक्ष की तरह ऊपर उठो और फिर आकर जमीन से जुड़ जाओ। अब देखो कैसे जमीन से जुड़ना, मैं आपको बता रहा हूं। यहां के सांसद जी की कथा बताई, एक भिवानी के सांसद जी की कथा मैं आपको बताता हूं। अब साफ वो भी हम जगह जगह गुनगुनाते हैं, क्यों गुनगुनाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी ऐसी घटना हो गई, ब्रेन ट्यूमर उनको हुआ। धर्मवीर जी अभी हरियाणा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, फिर जीत के आए, पिछले बार भी सांसद थे, तो दिल्ली में हम उनके यहां आवास पर बैठे हुए थे, तो कहा ब्रेन ट्यूमर है दिमाग में फोड़ा हो गया। हाथ में फोड़ा हो तो आप खुजा सकते हो, किसी को दिखा सकते हो, मलहम पट्टी बांध सकते हो, दिमाग में हो जाए आदमी दर्द से पागल हो जाता है। कहे जमीन में लौटता था, पेन किलर खाता था तो थोड़ी राहत मिलती थी, पेन किलर का असर जाता था, फिर मुझे दर्द होने लगता था, फिर दर्द होने लगता था, तो क्या करूं, मेरे तो प्राण चले जाते। तो तब उन्होंने बताया पंचगव्य विशेषज्ञ के कहने पर, मैं पिछले 1.5 साल से गो अर्क का पान कर रहा हूं, गो अर्क का पान करने से 1.5 साल में ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा पेन किलर यदि खाया जाए तो उससे प्राण भी चले जाते। अब यही कथा मैं गोवा में कर रहा था, तो डॉक्टर इमरान चौधरी दिल्ली से मेरे पास आए हुए थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान है, राष्ट्रपति जी ने उन्हें सम्मानित किया है, खुर्शीद रजाका जी आए हुए थे, एडवोकेट शिराज कुरैशी जी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि हम अभी आपके पास गोवा आने से पहले हम दिल्ली में फिर धर्मवीर जी से मिलकर आ रहे हैं, आप जो घटना बता रहे हैं वो 2 साल पहले की है, क्योंकि 2 साल से तो आप पदयात्रा में हो, अभी हम फिर उनसे मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने गो अर्क का सेवन जारी रखा है और ये पिछले 2 साल भी लेते रहे जब से आप यात्रा में, और अभी मिलकर आए तो उन्होंने बताया अब उनका ब्रेन ट्यूमर जड़ से समाप्त हो चुका है। एलोपैथी का पूरा इलाज कराया, सारी गोलियां खाई, दर्द निवारक, पेन किलर, लेकिन आखिरी में अपने जड़ों की ओर लौटे तो ब्रेन ट्यूमर समाप्त हो गया, क्योंकि जड़ क्या है, सकल औषधालय गोशाला आने यहां तुरंत नंदलाला, गौमूत्र के करे स्नाना, द्वादश गोमय अंग सुसाना, मेरी माँ तुम्हारे बच्चे को नजर लग जाएगी, उसको काला टीका लगाते हो, घर में इतना बड़ा कोई चेहरा लगाते हो किसी का कि हमारे घर में नजर ना लगे। जब पूतना ने भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल पर उसका बुरा साया पड़ गया था, तो यशोदा मैया सबसे पहले अपने बाल गोपाल को गोशाला लेकर गई, क्योंकि कहा गया सकल औषधालय गोशाला आने यहां तुरंत नंदलाला, और गौमूत्र के करे स्नाना, गौमूत्र का स्नान कराया और शरीर के 12 अंगों में गोबर का लेप लगाया तो वह बिल्कुल भले चंगे हो गए। घर में गाय रखो ना, बच्चे को नजर लगेगी ना, घर को नजर लगेगी ना, अकाल मृत्यु को कब उस घर में कभी आएगी, यह सत्य है और यह आंखों देखी बात। हम राम जी कृष्ण जी की कथा कहे तो आप कह सकते हैं आप पौराणिक कथा सुना रहे हैं, इसलिए हम आज की कथा बता रहे हैं, धर्मवीर जी की कथा बता रहे हैं, हमारे पटेल जी की कथा बता रहे हैं, हम आज की कथा बता रहे हैं। नाना भाती राम अवतारा रामायण शत कोटि अपार, यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने जड़ों की ओर लौटो। अब तुम जापान चले जाओगे तो क्या होगा, और सुन लो, मेरी चर्चा हो रही थी, राहुल भाई यहां पर बैठे हुए हैं,
कल हमारा एक मित्र है 28 किलो का रह गया है, पूरा मांस खत्म हो गया। मांस खत्म नहीं हुआ है, शरीर में 70% पानी रहता है, मांस और हड्डी बाकी है, खत्म क्या हुआ है? मांस हड्डी बाकी है, खत्म क्या हुआ है? पानी खत्म हुआ है, क्योंकि शरीर में 70% पानी रहता है। पानी फिर से उसके शरीर में आ जाएगा, वो फिर से स्वस्थ हो जाएगा। तो पानी कौन सा श्रेष्ठ है? गंगा जल, पर ऋषिकेश के ऊपर का। अब वो गंगा को कहां बताया शास्त्रों में? गो माता के मूत्र में बताया। तो हमने कहा गो माता का मूत्र उसे पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा, वो महीने भर के अंदर उसकी रिकवरी दिखने लग जाएगी। और 6 महीने के अंदर 5 फुट 6 इंच हाइट उसकी आई है, तो 60 किलो वजन एवरेज के हिसाब से उसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? आप अपनी जड़ों की ओर लौटोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। और ये सब हम कई जगह कर चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, मुंबई में BKC में। आप जापान चले जाओगे तो क्या होगा? अरे जापान तो परमाणु विकिरण से बचने के लिए यहां से देसी गाय का गोबर ले जा रहा है, जो 1945 पे बम गिरा था उसके विकिरण आज भी है वहां पर, उससे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उसको बचने के लिए देसी गाय का गोबर ले जाकर अपने घरों में लिपता है। वहां अधिकांश घर लकड़ी के होते हैं, भूकंप अधिकार। अब वो जापान देखो कैसी टेक्निक दिया, मुंबई के BKC में हीरा व्यापारियों का वो गढ़ है, सूरत के बाद सबसे बड़ा BKC है। तो वहां पर मेरी ये कथा चल रही थी, सारे हीरा व्यापारी बैठे हुए थे, तो केंजन वाटर मशीन पे चर्चा हुई कि हम जो पानी पीते हैं दूषित पानी पीते हैं, केंजन वाटर मशीन जापान से आई है 4 लाख की, उसमें अशुद्ध जल उसमें डालो जो हम पीते हैं, उस जल को डालो तो बिल्कुल ऐसा कर देता है, विरल कर देता है, जैसे गंगा जल है। तो आप एक गिलास भी पानी पियो तो आपके पूरी कोशिकाओं में वो पानी पहुंच जाएगा और आपकी प्यास अच्छे से बुझ जाएगी और आपके शरीर को स्वास्थ्य मिल जाएगा। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं बहुत कठोर जल है और वो हमारी कोशिकाओं में नहीं पहुंचता है तो हमको बार बार प्यास लगती है, ऐसा होता है ना, और शरीर को पोषण नहीं मिलता है। तो 4 लाख की केंजन वाटर मशीन कितने लोग लेंगे? यहां पर नहीं ले सकते, हीरा व्यापारी उनमें से कुछ लोगों ने लिए। मुंबई के पंचकव्य विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तम महेश्वरी जी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट 4 लाख की मशीन में आ रहा है, सामान्य जल में 2 बूंद गोमूत्र डालकर जब उसकी जांच की गई तो वही रिजल्ट आ रहा था जो 4 लाख की केंजन वाटर मशीन में रिजल्ट आ रहा था। जाओ की ओर लौटोगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा उस बालक वहां से सब उसका खान पान पंचकव्य आधारित कर दो, जो भी होगा गोबर में उगा हुआ खाना खाएगा, गोबर गोमूत्र दूध दही घी शुद्ध देसी गाय का। वहीं पर एक हीरा व्यापारी बैठे हुए थे BKC में ही, उन्होंने बताया महाराज मैं गाय पे एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें आपको भी काम करना है। तो मुंबई में हमारे 1 हफ्ते का वो था, तो उस फिल्म में भी हमने थोड़ी सी भूमिका निभा दी अपनी। तो वो मुझे स्टूडियो लेकर गए, कहे महाराज, मैंने कहा यार आप गाय पे फिल्म बना रहे हो, आप हीरा व्यापारी हो, आपको क्या कमी? देखो असली हीरा कहाँ है उसको समझ जाना, वो मैं वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास कहा गया। ये सब आज की कथा बता रहा हूँ, आप जाके BKC में उनसे मिल सकते हो, धर्मवीर जी से मिल सकते हो। कहा महाराज आप उसमें बस थोड़ा सा रोल अपना निभा दो उस फिल्म में। मैंने कहा ठीक है निभा देता हूँ। तो कुछ उसे प्रश्न कर रहे थे बातचीत में, ऐसा जैसा माहौल होता है ना, तो मैंने पूछा आप तो हीरे के इतने फिल्म चल रही है उसकी शूटिंग चल, मैंने कहा आप हीरे के इतने बड़े व्यापारी हो, आप गौशाला क्यों खोल लिए, गाय पे फिल्म क्यों बना रहे हो? कहा क्योंकि मैं पिछले 2 साल से बिस्तर पर था, ठीक वो स्थिति थी जो वजन हो गया ना 28 किलो का वो भाई का। कहा मेरी स्थिति ये थी कि मैं 2 साल से बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, और जब से गो सेवा करना प्रारंभ किया शुद्ध देसी गाय के, वो गुजरात के पेशेंट थे तो वहां गिर गाय होती है, तो गिर गाय के पंचगव्य का सेवन चालू किया कि आपसे अनाज खाऊंगा तो गोबर में उगा हुआ खाऊंगा, शुद्ध देसी गाय के गोमूत्र का प्रयोग करूंगा, दूध दही घी का प्रयोग करूंगा, और जो मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था जब पंचगव्य का सेवन चालू किया तो 6 महीने के अंदर मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। तो मेरा स्वास्थ्य मेरा असली धन है जो कि मुझे गो माता की कृपा से मिला है। तो उन्होंने व्यक्तिगत गौशाला खोली है, अपना एक बड़ा धन उस गौशाला में लगाते हैं, और मुंबई में एक फिल्म भी वो गो माता पे इसलिए बना रहे हैं, उस गो माता की फिल्म में थोड़ा सा पार्ट हमारा भी है। आप सोचिए कितने बड़ा धन है हमारे पास गाय, ये भारतीय संस्कृति का आधार ये गाय है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आदि शंकराचार्य, ये सबका ज्ञान, कहते हैं ईसा मसीह भी भारत आकर गए, हजरत मूसा के हाथ में जो लाठी थी जो लकड़ी थी वो भारत की ही लकड़ी गई थी उनके हाथ, जो उनके हाथ में लाठी थी।
वहदत की लह पाई दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। अल्लामा इकबाल ने लिखा मीरे अरब कहा जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इकबाल ने लिखा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वहदत की लह पाई दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वहदत यानी ईश्वर एक है, ये कहते हैं कि इस्लाम की अवधारणा है, लेकिन सच्चाई यह है, यह भारतीयता की भी अवधारणा यही है। बस यहां पर चरण अलग अलग बताए गए हैं। यदि आप अरब जाएंगे तो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है। भारतीयता में भी यही बात है, लेकिन वो चौथे चरण में बताई गई कि एक राम दशरथ का बेटा, पहले दशरथ के बेटे के राम की कथा सुन लो, मूड बना लो, पहले पहली क्लास डायरेक्ट तुमको निराकार ले जाएंगे, पागल हो जाओगे, क्योंकि सफेद हरा नीला पीला गुलाबी सब भगवान का रंग, और भगवान सबसे पार, 1 फुट 2 फुट 10 फुट सब उसकी हाइट और सब हाइट से पार, वो इस काल में भी और इस काल से पार, समझ में आएगा क्या? तुमको डायरेक्ट यदि चौथे चरण में ले गए तो कहा ये बच्चा घुमा, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, कहे कैसा दिखता था, नीला भी पीला भी गुलाबी भी हरा भी, तो पुलिस वाला डंडा मार के भगाएगा। जब निराकार में सीधा चले जाओगे तो ये हो जाएगा भगवान। बिन पद चले, ये चौथे चरण की बात, बिन पद चले सुने बिनु काना, पैर नहीं है चल रहा है, तो पागल ही बोलोगे ना ऐसा कहने वाले। कर बिन करम कराए भी दिन, हाथ नहीं है काम कर रहा है, आनंद रहित सकल रस होगी, मुंह नहीं है लेकिन स्वाद ले रहा है, बिन वाणी बक्ता बर्ज होगी, वाणी नहीं है लेकिन बोल रहा है, ये चौथा चरण। इसलिए स्टार्टिंग धीरे से किया कि एक राम दशरथ का बेटा, कथा सुनो दशरथ के बेटे राम की, तो आनंद आएगा, थोड़ा मूड बनेगा, मूर्ति पूजा करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, फिर उसको अपने हृदय में अनुभूत करो, घट घट में बैठा, एक राम सब जगत पसारा, फिर सगुण राम उसके क्या क्या गुण है ये जानो, फिर निर्गुण राम कि ये जो निरंकार की बात कही है, जो निराकार की बात कही गई है, जो ना किसी का बेटा है, जो ना किसी का बाप है, उसकी बात कही गई है, ये बात की बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बरजोगी। तो आखिरी में जो वहदत एकेश्वरवाद की बात की गई, चौथे चरण में भारतीय संस्कृति में भी हम वहीं पहुंचते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि वहदत की लह पाई दुनिया ने जिस मकाम से, और मीर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मुझे सुकून की ठंडी हवा पूरब से आती है, ये भारत भूमि जहां पर ऋषियों की तप भूमि है। तो इस तपस्या का आधार ये गौगंगा गीता है, जिसकी खुशबू यूनान में भी गई, मिस्र में भी गई, अरब में भी गई, यूरोप में भी गई। इसलिए कहा जाता है यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप इसको नहीं मिटा सकते, कितना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोशिश कर रहे, इसको नहीं मिटा सकते, कोशिशें लोग भरपूर कर रहे, क्योंकि हमारे यहां उदाहरण, अगर दोनों यूरोप में ये कह ले, देखो भारतीय समाज का आधार समझो, हमारे यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है। एक चुटकुला आया, चुटकुले के दृष्टिकोण से समझना, कि यूएनओ में एक कुत्ता बैठा, तो कहा ये कुत्ता डिसाइड करेगा कि सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है। तो पाकिस्तान वाले को भाई हमारे देश में चलो, हम वहां तुमको ले जाएंगे, बहुत सारी चीज खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, मजा कराएंगे। दुबई वाले ने कहा हमारे यहां चलो, दुनिया का बेस्ट होटल हमारे यहां। यूरोप वाले ने कहा सारी सुविधाएं हमारे पास है। अमेरिका वाले ने कहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हमारे यहां चलो। तो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया कुत्ता जिस भी देश को कहेगा वो देश को हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। लेकिन कुत्ता बोला कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाऊंगा क्यों बोला? यद्यपि अमेरिका बहुत सुख सुविधा, दुबई में सर्वश्रेष्ठ होता, पाकिस्तान में बिरयानी खाने मिलेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन भोगने की जैसी स्वतंत्रता मेरे को भारत में मिलेगी वैसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। अरे ये तो इतना उदार देश है, भारत मेरे टुकड़े होने वाले भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई जेल में नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता और कहीं नहीं मिलेगी।
लेकिन इस स्वतंत्रता का गलत लाभ मत उठाओ कि मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और संसद के अंदर वो कौन सांसद था, अरे शपथ लिए थे अपना बैठ जाते शपथ लेके, अब वो सफी पर बर्क बर्क और कहा था बर्क 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 ने कहा था शपथ ले लिया, फिर उसके बाद कहता वंदे मातरम कहना इस्लाम के खिलाफ, अरे तू ये क्यों बोल रहा है भाई। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना भी लाभ मत उठाओ कि कुछ अनहोनी घट जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक है जब तक ये देश सुरक्षित है। भोगने की आजादी है कुत्ते को यहां पर, चीन में नहीं है। चीन में थेनमेन चौक में इकट्ठा हुए थे, उनको टैंक से कुचला गया, मारा नहीं गया गोली से, टैंक के ऊपर से रौंदा गया। यहां कितने धर्म प्रदर्शन होते हैं, देश के खिलाफ नारे लगते हैं। बोलने की स्वतंत्रता यहां जितनी है वो कहीं नहीं है। और इस कदर स्वतंत्रता है, इस कदर स्वतंत्रता है, इस कदर स्वतंत्रता है कि गैलीलियो ने जब कहा कि भैया आप ये कहते हैं पोप साहब कि पृथ्वी केंद्र है और पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है, लेकिन जब मैंने निष्कर्ष निकाला तो मैंने ये पाया है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज नहीं घूम रहा है बल्कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। उन्होंने कहा हमारा धर्म तो यही कहता है और मेरा ईश्वर से सीधा संपर्क है, पोप ने कहा। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सूरज चारों तरफ घूम रहा है पृथ्वी केंद्र में। अब ईश्वर से तो बढ़कर कुछ नहीं, या तो तुम अपनी बात वापस लो या तो तुमको ईश्वर के पास भेजते हैं, उनसे पूछ लेना पृथ्वी घूम रही है कि सूरज घूम रहा है। गैलीलियो समझ गया, कहा नहीं 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 मेरे से थोड़ा जांचने परखने में गलती हुई थी, सूरज ही घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। अब कौन अपनी जान लेवे, ईश्वर से पूछ के कौन आएगा। अब घर आके ये सोच रहा है कि क्या करूं, अभी भी पृथ्वी ही सूरज के चारों तरफ घूम रही है। वह बोल के तो आ गया। उसके बाद एक व्यक्ति हुआ ब्रूनो, ब्रूनो हुआ, उन्होंने कहा नहीं साहब देखो सूरज के ही चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, जो करना कर लो। कह देखो अपनी बात वापस लो नहीं तो ईश्वर के पास जाओ, वही बताएगा। कह ठीक है भेज दो ईश्वर के पास, देख लेंगे, लेकिन मेरा प्रयोग तो यही कह रहा है कि पृथ्वी घूम। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया केवल इस बात के लिए कि ब्रूनो ने यह कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। यूरोप में अभिव्यक्ति की वो स्वतंत्रता नहीं है और यहां बुल्ले शाह घूम रहे हैं पंजाब की धरती पर। बुल्ले शाह कहते हुए घूम रहे मैं खुदा हूं मैं खुदा हूं मैं खुदा हूं, तो ये पंजाब के राजा उनको बुलाते हैं, कहे तू खुदा है तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तू खुदा कहते अपने आपको। कहा नहीं राजा साहब मैं तो बंदा हूं, मैं तो बंदा हूं बंदा हूं। क्यों, अभी तो मेरे सैनिकों ने कहा तू खुदा है कहते हुए घूम रहा था। कहा जब मुझे खुली छूट थी, खुद मुख्तार था, खुद पे डिपेंड था, स्वतंत्र होकर घूम रहा था तो खुदा हूं, अब आपने मुझे बंदी बना लिया तो बंदा हूं। कहा इसको छोड़ दो। फिर बुल्ले शाह घूमने लगे, फिर उनके मूड में आया मैं बादशाह हूं मैं बादशाह हूं मैं बादशाह हूं। फिर सैनिकों ने कहा बादशाह ये कह रहा है कि ये बादशाह है। क्यों भाई तुम बादशाह हो, तुम बादशाह हो तो तुम्हारा खजाना कहां है। तो कहा खजाना उसका होता है जिसको जरूरत होती है, जिसके मन में लालसा या कामना होती है, मुझे कोई लालसा या कामना नहीं है। तो फिर कहा ठीक है लालसा का, पर सेना तो होनी चाहिए ना, तुम्हारी सेना कहां बादशाह हो। तो कहा मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है तो मेरी सेना कहां से होगी, मेरे सारे मित्र है, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। सुबह मोहब्बत शाम मोहब्बत अपना तो बस काम मोहब्बत, तुम जाओ काशी काबा को अपने चारों धाम मोहब्बत, तुम पीते नफरत का प्याला अपना तो हर जाम मोहब्बत, और तेरी खातिर ही जिंदा हूं बारंबार सलाम मोहब्बत। छोड़ दिया बादशाह ने, कहीं दोबारा कभी बुल्ले शाह को पकड़ना नहीं, और वही मंसूर को किया दावा अनलक का हुआ सरदार आलम का, अगर सूली पे ना चढ़ता तो वो मंसूर क्यों होता। अरब जगत में मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया गया कि उसने कह दिया था, घोषणा कर दी थी अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा मंसूर ने की थी कि मैं ही ब्रह्म हूं उपनिषद के उस वाक्य की। तो भारतीय संस्कृति में आपको हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, यही भारतीय समाज का आधार है, ये संबंध संवेदना और सेवा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षमा चाहूंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, यहाँ बड़वानी प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ साहब।
लोकल मीडिया, लोकल प्रिंट मीडिया, लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं लानत भेजता हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। बीबीसी हिंदी वाला मेरे पास आया, मैं कुंभ में गया था, बीबीसी हिंदी वाला 2 घंटे मेरे साथ रहा, इसको रिकॉर्ड कर लो, कभी बीबीसी वाले मिले तो बताना। उस 2 घंटे में पूरा प्रयास, जब मुस्लिम को सेवक सुना, मुस्लिम को रक्षक सुना, मुस्लिम राम कथा करने वाला, मुस्लिम राम मंदिर बनाने वाला, वो पूरी कोशिश ये कर रहा था कि एक बार तो मैं स्वीकार लूं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम हूं तो मैं दुखी हूं इस देश में, मुस्लिम हूं तो मैं भयभीत हूं, हामिद अंसारी की तरह, आमिर खान की तरह, शबाना आजमी की तरह। कई आपको धमकियां तो देते होंगे, ये कट्टरपंथी लोग, ये सब जो जय श्री राम कहते हैं, ये तो आपको काम करने का अवसर नहीं देते होंगे। अरे भाई तू आके देखना, आके देखना, ना नंदू भैया ना पटेल भैया खुद पहले मंच पे नहीं बैठ रहे, मुझे बैठा रहे हैं यार। कुछ तो शर्म कर बीबीसी वाले, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं, मैं जय श्री राम वालों को गलत कैसे बोलूं। मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा सम्मान इस पद यात्रा में कहीं मिला है, तो मुझे सबसे ज्यादा सम्मान इन जय श्री राम कहने वालों ने दिया है, वंदे मातरम कहने वालों ने दिया है, नर्मदे हर कहने वालों ने दिया है, जय श्री कृष्ण जय माता दी कहने वालों ने दिया है। हाँ, इसको आपत्ति है, कसाब की विचारधारा से आपत्ति है, डॉक्टर कलाम की विचारधारा से आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत है। इसलिए हमने डॉक्टर कलाम साहब की इसमें फोटो लगवाई है, जो बैनर बना इसके पीछे पूरा उद्देश्य है। और कसाब से तो आपत्ति होनी चाहिए, हमको भी आपत्ति है और सबको होनी चाहिए, और कलाम साहब का स्वागत है ये भारत। लेकिन वो बीबीसी वाला 2 घंटे मेरे साथ रहा, उसने 1 मिनट की भी न्यूज कहीं पर नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से एक भी विचार व्यक्त नहीं किए। साहब मुझे अगर इंटरनेशनल मीडिया में छाना होता ना, तो मैं उस बीबीसी वाले को बोल देता मैं मुसलमान हूं और बहुत पीड़ित हूं, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और मैं डरा हुआ हूं, तो अभी मेरे को इंटरनेशनल आइकॉन बना देता। लेकिन क्यों बोलूं मैं, जब मेरा देश ऐसा है ही नहीं। तो लिंचिंग की घटनाओं को आप हाईलाइट कर रहे हैं, पीछे साना, अरे दो व्यक्ति का आपस का विवाद था, क्या था क्या नहीं था, पूरे देश का आपने माहौल बिगाड़ दिया है। 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, 2 साल 25 दिन हो गया, अकेले चल रहा हूँ, बिना सुरक्षा के चल रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई मॉब लिंचिंग नहीं, मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया, मेरे साथ तो कोई अत्याचार नहीं हुआ। पीछे कार चलती उसमें मोहम्मद फैज खान क्लियर लिखा हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो मॉब लिंचिंग की जो घटना, उसका कारण कोई और रहा होगा, बीच में जय श्री राम भी घुसा दिए, गाय भी घुसा दिए, अल्लाह अकबर भी घुसा देता। तो जो प्रैक्टिकल अनुभव लेते चल रहा है, उसके विचार महत्वपूर्ण है कि इनके विचार महत्वपूर्ण है, इनके विचार महत्वपूर्ण, मेरे विचार महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं पैदल चलकर वास्तविक अनुभव ले रहा हूं। सभी का स्वागत है इस देश में, सभी का सम्मान है इस देश में। सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिद भारत में है, वेटिकन सिटी इटली से ज्यादा चर्च भारत में, पारसी कहीं सुरक्षित है तो ईरान अपने देश में नहीं भारत में है, आज दलाई लामा सुरक्षित है तो तिब्बत में नहीं भारत में है, जैन परंपरा सुरक्षित है, बौद्ध परंपरा सुरक्षित है तो भारत में है, और भारत में मुसलमानों को डर लगता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान पे कहीं पे भी आते हैं, ये असुरक्षित देश है। पैदा बांग्लादेश में हो रहे हैं, राशन कार्ड कहाँ का बनाते हैं, भारत का। पैदा पाकिस्तान में हो रहे हैं, इलाज कराना है तो कहाँ आते हैं, गाना गाने भारत। अरे जब गाना गाने भारत आना है, क्रिकेट खेलने भारत आना है, पुस्तक का विमोचन करने भारत आना है, इलाज कराने भारत आना है, ताजमहल देखने भारत आना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने भारत आ रहा है, निजामुद्दीन औलिया के पास जाने भारत आना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने भारत आना है, अच्छा मान सम्मान पद पैसा प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ से बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी भारतीय आना है, तो पाकिस्तान बनाया क्यों, बम बनाने, उसको फोड़ने भी भारत आना है। भाई तुम काहे के लिए बॉर्डर क्रॉस करके आते हो, गोली लग जाएगी, मां भारती के चरणों में आ जाओ, अखंड भारत बैकग्राउंड में देख लो, धुंधला सा बना हुआ है कि नहीं बना, हमने बनवाया, ये इस कथा का आज का सार है, राजकथा गो कथा कहा गया है। देखिए एक दो बात और कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो,
गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। सकारात्मक चीजों को दिखाइए। मैं बारंबार मीडिया से निवेदन करता हूं, आप डॉक्टर कलाम को दिखाइए, आप जुबैर भाई को दिखाइए, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, आप इस पदयात्रा को दिखाइए, जो इस देश की वास्तविकता है उसको दिखाइए। अनुभव मेरे बहुत सारे हैं, एक दो अनुभव कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। मीडिया में जितना भी दलितों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ अत्याचार, देखो इसकी बात में आना नहीं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको टीआरपी चाहिए होती है, लड़ाई झगड़ा करवाना होता है। देश में कहीं कोई ऐसा माहौल मुझे पूरे भारत में नहीं दिखा कि किसी को कहीं जाने से या कुएं में पानी पीने से या कुछ करने से ऐसा रोका गया हो। इवन निदा फाजली साहब ने जो कहा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। तो हम जब खबरें सुनते पढ़ते हैं तो उस मंदिर में मुसलमान को घुसने नहीं दिए, वहां दलित को घुसने नहीं दिए। माननीय इंद्रेश कुमार जी ने हमारे सिंधु का जल दिया मुझे, और पैदल पैदल चलते हुए मैं 8000 किलोमीटर पैदल चल के रामेश्वरम जब मैं पहुंचता हूं, रामेश्वरम में मुझे शिवलिंग में जल अर्पित करना है और मुझे कन्याकुमारी में जल अर्पित करना है, तो जब रामेश्वरम पहुंचता हूं और जब मैं रास्ते में बताता हूं लोगों को, तो सुनी सुनाई बात वाले कहे मुसलमान को रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैंने कहा यह बड़ी अजीब बात हुई भाई, मैं 8000 किलोमीटर लद्दाख से रामेश्वरम पैदल जा रहा हूं, वैसा जिगजैग होते हुए सिंधु का जल लेकर, मुझे रामेश्वरम में घुसने नहीं मिलेगा। वहां पर राममूर्ति जी नामक एक व्यक्ति मिले मुझे, जो कि हिंदू मुड़नी नामक, जैसे यहाँ हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू संगठन होता है, हिंदू मुड़नी। जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा एक मुस्लिम युवक वहां पर आ रहा है और सिंधु का जल लेकर रामेश्वरम में अर्पित कर लो, और उनके ऊपर आरोप है हिंदू कट्टरपंथी है ऐसा करके, वो मुझे लेने आ रहे हैं, हिंदू कट्टरपंथी होने का उन पे आरोप है, वो मुझे लेने आए। रामेश्वरम मंदिर के पहले, रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कब्र है, सबसे पहले वहां लेकर गए, और उनकी कब्र में इतनी सिक्योरिटी होती है कि अंदर जाकर किसी को चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं है। मैंने वहां चादर चढ़ाई, फातिया दरूद की, और मुझे वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, जबकि राममूर्ति जी से मेरा कहीं कोई परिचय नहीं था। उसके बाद खुद गए रामेश्वरम मंदिर के पुरोहितों को सूचित किया कि ऐसे ऐसे हमारे एक भाई चले आ रहे हैं, जिस रामेश्वरम मंदिर के बारे में आप मीडिया के द्वारा कि दलित को नहीं घुसने देते हैं, मुस्लिम को, सब झूठ बकवास। वहां मेरा नाम बताया गया, 8000 किलोमीटर 15 महीने पैदल चलकर पैदल आ रहा हूं। रामेश्वरम मंदिर के शिवलिंग के पास जाने को जिन पुरोहितों को अधिकार है, वो सारे 8 से 10-12 पुरोहित लेने के लिए मुझे पश्चिम द्वार रामेश्वरम मंदिर में द्वार पर आए और मुझे लेकर सम्मान शिवलिंग तक गए, और वहां पर हर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, मुझे 10 मिनट बैठने दिया और मेरा जल अर्पित किया। ये भारत देश है जिसको मीडिया कभी भी नहीं दिखाएगा। झूठ बोलते हो मॉब लिंचिंग और दलित के नाम पे अत्याचार, और इसको मंदिर में, अरे मोहम्मद फैज खान को सम्मान मिला रामेश्वरम मंदिर में, इनके झूठ में नहीं आना। हम तो वो है जिन्होंने कुत्ते के अंदर भगवान को देखा, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्य। आप सेवा क्या सिखाओगे भगवान हमको, हम मनुष्य की सेवा नहीं करेंगे। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर और नर्मदा मैया है, उसका सेवा करो, सम्मान करो। एक दो बात मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र के जब मैं मुंबई से चला धुले, नासिक, जलगांव, भुसावल तक आया, तो 4 दिन ऐसा रहा कि मुझे नहाने के लिए पानी नहीं मिला, मटमैला पानी पीने के लिए मिला। सियालगुड़ी तमिलनाडु में तिरुनवेली थुत्तुकुडी की तरफ था, तो जो व्हाट्सएप में फेसबुक में आप वीडियो देखते हैं कि बड़ी दूरी में लोग जाकर गड्ढा खोदकर मटमैला पानी निकालकर पीते हैं, वो स्थिति वहां पर है। नल कब गया पता नहीं, किसी ने अपना लोटा, किसी ने अपना बर्तन, किसी ने अपना मटका लगा कर रखा है, सब टूट फूट गया है, प्रतीक रूप से रखा हुआ है नल के नीचे लाइन से, इस उम्मीद में कि कभी तो इस नल में पानी
आएगा, वहां मटमैला पानी पीते हुए मैं आया हूँ, तुम्हारे पास माँ नर्मदा की कृपा है, उसको प्रणाम करो। अरे इस बात में मुझे सहयोग करना है तो ताली ना बजाओ, भले मत बजाओ, लेकिन ये प्रयोग करो, ये लेकिन अपने जीवन में प्रयोग करो कि हम कभी साबुन शैंपू लेकर नर्मदा मैया में नहीं जाएंगे, अपना कपड़ा उसमें नहीं धोएंगे। ये जो मैं पहले भी आया बड़वानी में, जुबैर भाई और सद्भावना की टीम ने और पूरे हमारे पवार जी ने और मास्टर साहब बैठे हुए सब ने मेरे यहाँ बड़े कार्यक्रम करवाए हुए हैं, लेकिन पहले हवाई जहाज से आया था, रेलगाड़ी से आया था, मैं देख नहीं पाया पैदल क्यों चला जाता है, उस बात को समझ लीजिए। जब पैदल चला तो पता चला जहाँ बड़वानी के शुद्धिकरण का जो जल आता है, बड़वानी का जो शुद्धिकरण संयंत्र रखा लगा है जल का, नर्मदा में जहाँ ठीक वहीं गंदा नाला बड़वानी का मिलता है, ये पैदल चलते हुए मैं देखा, वो गंदा नाला उसमें ना मिले इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया जाए। नर्मदा मैया का सम्मान करो, तुमको रोज नहाने को और पीने को पानी मिलता है, अंग अंग को रवानी देती है, जीवन की कहानी देती है, अंग अंग को रवानी देती है, जीवन को कहानी देती है। नर्मदा मेरी माँ तुझे सलाम, मंदिर को चरणामृत और वजू को पानी देती है, इसका सम्मान तुम कर लो। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो मैंने गायत्री परिवार वालों को विशेष तौर से कहा था कि यहां सारी चीजें लेकर आना। मैंने गोमूत्र का आपको बता दिया है, किसी के शरीर में कोई भी व्याधि हो, यह नहीं है कि अपने को व्याधि होने का इंतजार करना है, आज से आज संकल्प ले लो फ्रिज और एसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने मटके में सुबह दो बूंद आप गोमूत्र डाल लो, आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। तो हमने उनका टेस्ट किया, गोमूत्र सब ठीक था, तो गोमूत्र आप इनसे जरूर लेकर जाना, तो आपको 4 लाख के केंजन वाटर की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को रात भर नींद नहीं आती है, एक रात के अंदर आज ही ठीक हो जाएगा, जिसको खर्राटा आता है और नींद नहीं आती, 2 बूंद इस नाक में घी डालो, 2 बूंद इस नाक में घी डालो, आपको गहरी नींद आएगी, आपकी अनिद्रा की बीमारी एक रात में समाप्त हो जाएगी, बड़ी बड़ी दवाई लेने से ठीक नहीं होती। आप करीना कपूर, हेमा मालिनी, लक्स का विज्ञापन करते हैं, उनके पास नहीं जा सकते, तूफानी ठंडा है कि नहीं है, शाहरुख सलमान और आमिर के पास नहीं जा सकते आप, शाहरुख सलमान और आमिर कोका कोला थम्स अप पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, मोहम्मद फैज खान गो माता का ब्रांड एम्बेसडर है, मैं जो बता रहा हूं देसी गाय का घी नाक में आप डालो, आज एक रात में ठीक हो जाएगा, कल मैं यहीं पर करके देख लो। आपको पेट का रोग कोई भी है, आज गोमूत्र का पान कर लो, ठीक हो जाएगा। मैं तो यही हूं, अभी 10 दिन तक मैं इसी क्षेत्र में पैदल चल रहा हूं, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कारण यूरिया पेस्टिसाइड है, जो बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं खा रहा है फिर उसको भी कैंसर हो जा रहा है। कैंसर ठीक हो सकता है तो केवल और केवल गोबर से ठीक हो सकता है, जमीन में जब गोबर जाएगा और उससे उपज वाला हम भोजन खाएंगे तो हमको कैंसर नहीं होगा। मिट्टी की शुद्धि गोबर से होती है, जल की शुद्धि गोमूत्र से होती है, अग्नि की शुद्धि घी से होती है, वायु की शुद्धि दही से होती है, और आकाश तत्व की शुद्धि दूध से होती है। जिसके जिसके घुटने में दर्द है, कितना ही कटोरी चम्मच बदलवा लो, दर्द ठीक नहीं होगा, एसी फ्रिज का इस्तेमाल बंद करो, 20% दर्द चला जाएगा, पानी सदा बैठ के पियो, 40% घुटने का दर्द चला जाएगा, जिसके घुटने में दर्द है उसका पैर दबाओ, 60% घुटने का दर्द चला जाएगा, देसी गाय का दूध 2 चम्मच घी डालकर गर्मा गर्म उसमें फेंट के खड़े होकर पी जाओ, 100% घुटने का दर्द चला जाएगा। कल सिंदूर और तिलक लगाने की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ केमिकल वाला कभी इसका प्रयोग नहीं हुआ, ये अब केमिकल वाला प्रयोग हो रहा है, तो कभी भी मैंने कल ही इनसे कहा गायत्री परिवार वालों से, तो गोबर हल्दी चंदन डाल के उसकी राख डालकर एक बहुत सुंदर तिलक बनाया गया जो आज हमें लगाया गया, उसका प्रयोग करे, वहां पर रखा हुआ है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, गाय बचेगी, गाय बचेगी, गाय बचेगी,
तो गाय तब बचेगी जब बचाने आप आओगे। नारे से गाय नहीं बचने वाली है। आप सोचोगे केवल जनप्रतिनिधि करे, केवल मुख्यमंत्री करे, केवल प्रधानमंत्री करे, केवल संत महात्मा करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। संसार में एक ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, संसार में एक ही व्यक्ति को रक्षा राष्ट्र रक्षा कर सकता है। वो व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनप्रतिनिधि नहीं है। वो व्यक्ति इस सभा में मौजूद है, उससे मिलना अगर है तो घर में जाकर आईना देखना, सामने जो खड़ा होगा केवल वही इस देश की रक्षा कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं रक्षा कर सकता। मैं संभावना समिति का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इज्जत बख्शी, सम्मान दिया। मैं हमारे संतोष जी मुलेवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे पवार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर पवार जी खड़े हो जाएं, है ना, क्योंकि भारत मंच से हैं आप, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारी निम्बोल गौशाला के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, एक बार आप भी खड़े हो जाएं भगवान, एक बार सब दर्शन कर लें। बड़वानी से मुझे पहले भी प्यार मिलता रहा है, आगे भी प्यार मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। लेकिन ये दौरा सबसे महत्वपूर्ण है, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले और बाद में जब भी आना जाना होगा वाहन से होगा। अभी मैं 2 साल 25 दिन पैदल चलकर आपके बीच में आया हूँ, लगभग 12,000 किलोमीटर। तो आप सब मेरी इस यात्रा से सहमत हैं। मुझे 3 तरह से आपका सहयोग चाहिए भगवान। मुझे तन से सहयोग देना, कल सुबह 6 बजे मैं यहां से निकलूंगा, कम से कम कुछ कदम पैदल मेरे साथ चल लेना, तो तन से ऐसा सहयोग हो जाएगा। तन से सहयोग, कुछ कदम पैदल चलना। मैं 14,000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं, कुछ कदम मेरे साथ पैदल चलना। मैं कहां से निकलूंगा? जलसा से निकलूंगा। दूसरा, धन से सहयोग देना। यह किसी एक राजनीतिक दल, एनजीओ या किसी की यह सभा नहीं है, ये नहीं है यात्रा। मुझे इसमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भराना है, अपने पेट में भी पेट्रोल भराना है। रास्ते में जितनी गाय मिलती है, जितने कुत्ते मिलते हैं, जितने बंदर मिलते हैं, सूखा पीड़ित है, सबको भोजन कराते हुए चलना है। तो कम से कम 1 रुपए का सहयोग इस पद यात्रा में जरूर करना। जो 1 रुपए कर सकते हैं 1 रुपए, जो 1,000 कर सकते हैं 1,000 रुपए, जो जितना कर सकता है जरूर करना। क्योंकि कोई बड़ा फंड किसी व्यक्ति के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, आपके 1-1 रुपए से ही ये पद यात्रा चल रही है। तो बोलो धन से सहयोग करोगे? ठीक है, तो तन से करना, धन से बजाओ, ताली बजाओ इसमें भी, धन से सहयोग करोगे तो अच्छी बात। मेरे पास नहीं है ये नहीं बोलना, 1 रुपए एटलीस्ट सब दे सकते हैं। मन से सहयोग करना। मित्र बहुत है तो दुश्मन भी बहुत है, धमकी देने वाले भी बहुत हैं। हमारे आदर स्वामी विवेकानंद है, 39 ईयर में चले गए थे, 10 जुलाई को मेरा भी 39 ईयर हो गया है। कम से कम जिस तरीके से धमकियां लोग देते हैं, जिस तरीके से ट्रक हाईवे में हम पैदल चल रहे हैं, ये प्रार्थना करना कि यात्रा पूरी होने तक शरीर सुरक्षित रहे, मन से प्रार्थना करना गो हत्या का कलंक इस देश से समाप्त हो। आप सबने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। गो माता की सेवा करेंगे, गो माता की सेवा करेंगे, गो माता की सेवा करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको दूंगा, बड़वानी की समिति को धन्यवाद दूंगा। विशेष तौर से एक बार प्रीति पांडे जी के लिए आप ताली बजा दीजिए जोरदार। हमारी जो पद यात्रा चल रही है इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन पूरे भारत के लिए जो कोर कमेटी बनी हुई है, तो इस पद यात्रा के लिए उस कोर कमेटी की हमारी सदस्य हैं और जगह जगह कोर कमेटी के अंतर्गत ये आते हैं और इस यात्रा में सहयोग और समर्थन अपना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।